अब मैं इस माला से जप शुरू करती हूँ। गोपी बहू, तुम्हारा यह उपहार मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। जितनी देर तक हाथ में रहेगा ना, इसके एक एक दाने के साथ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। माँ, आपको मेरी गोपी बहू का दिया हुआ तोहफा पसंद आया, बस ये जानकर मेरे मन को संतुष्टि हो गई। गोपी बहू, तेरी सास को तुझ पे बड़ा अभिमान है, इसलिए तो हर वक्त कहते रहती है, मेरी गोपी बहू, मेरी गोपी बहू। नानी जी, नानी जी, ये लीजिए, मैं भी आपके लिए एक भेंट लाई हूँ। ये क्या, कागज का बक्सा तो तोहफे में लेके आई जिगर की बहू? नहीं नहीं नानी जी, आप इसे खोल के तो देखिए। एक मिनट, मैं ही खोल देती हूँ। ये देखिए। ये क्या है? नानी जी, ये कॉफी मग है, इसमें आप कॉफी पी सकती हैं। लेकिन मैं तो कॉफी पीती ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आप इसमें दूध पी सकती हैं। लेकिन ये कितना भारी है, इसमें दूध चाय कॉफी डालेंगे तो और भी भारी हो जाएगा ना बाबा दा। मुझे तो मेरा पीतल का ग्लास ही अच्छा है। तू कॉफी पीती है ना, ले तू ही रख। नहीं नानी जी, आप ये देखिए, इस पे एक बहुत खूबसूरत सा संदेश भी लिखा हुआ है, आई लव यू। मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नानी जी, ये कप आपको हमेशा मेरा आपके प्रति प्रेम आदर मेरी याद दिलाता रहेगा। देखिए, अगर आपको इसमें चाय दूध कॉफी कुछ नहीं पीना है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे तोहफे के तौर पे एक सजावट की चीज बना के रख सकते हैं। ना भाई, तू कॉफी पीती है ना, तू ही रख इसे, ले। अरे रे, आंसू थाई गए हो, कितना प्यार से ले आई थी और मेरे हाथ से टूट गया। नहीं नानी जी, वो कोई बात नहीं, वो कप वैसे भी बहुत भारी था। चल, अब जो हुआ सो हुआ। जिगर की बहू, अब तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी, पीतल का प्याला। तो चलो, बद्धा ने बोला, वो मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं अपना संदूक किस बहू को दे दूंगी। तो माची, मैं सबको बुला के लाती हूँ। आइए माँ। नहीं, ये संदूक मुझे मिलेगा ही नहीं। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, कब क्या हो जाए किसे पता। अब वो घड़ी आ चुकी है कि मेरी इस संदूक की चौकसी की जिम्मेदारी से मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। जैसे कि मैंने कहा था, ये मेरी धरोहर, मैं अपनी दो दोहित्र यानी गोपी और राशि में से किसी एक को दूंगी। दोनों बहुओं ने मेरी बहुत सेवा की है। गोपी ये तो गरम गरम जमवानू बनावी ने मैंने जमाड़ी छे, मेरे पैरों की मालिश भी की है, और राशि बहू ने बढ़िया से बढ़िया चाय बना के पिलाई है और खिचड़ी में साबुन गिराया था
हाँ, गोपी बहू ने तोहफे में मुझे रुद्राक्ष की माला दी है और राशि बहू ने तोहफे में मुझे वो क्या बोलते हैं, मग दिया था, लेकिन बेचारा टूट गया। जवा दे, अब ये संदूक एक है तो किसी एक को ही दिया जाएगा। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है कि इस संदूक को जीतने वाली बहू का नाम है अरे जिगर बेटा। जनैया मत समझना कि मैं संदूक जिगर को दे रही हूं, ये तो भारी है ना, तो उठाने के लिए मदद करे इसलिए। जिस बहू ने मेरा ये संदूक जीता है उसका नाम गोपी बहू। थोड़ा गुनगुना पानी तो लेके आ। जी नानी जी। अब ठीक लग रहा है। हाँ, तो जिस वहू ने मेरा ये संदूक जीता है उसका नाम जीवती रे गोपी वो। राशिव, आज से संदूक तेरा। नानी जी, वो मैं सच कहूं तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। नानी जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी धरोहर संभाल सकूं। नानी जी, आशीर्वाद आशीर्वाद।
कंग्रेचुलेशंस राशि। राशि, मुझे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने तुमने संदूक के रूप में नानी जी का दिल जीत लिया है। हाँ, शुक्रिया जिगर जी। मम्मी जी, मैं तुम्हारी इस जीत से बहुत खुश हूँ राशि। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। थैंक यू मम्मी जी। पापा जी, खुश रहो बेटा। अगर तुम्हें मासी जी का आशीर्वाद मिल ही गया, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, खुश रहो। अब नानी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ठाकुर जी को पहले धन्यवाद कह के आ जाऊं। जा बेटा, तू आने के बाद संदूक खोलेंगे। देखा कोयली, राशि वो कितनी खुश है और संस्कारी भी है। देख, तुरंत ठाकुर जी को प्रणाम करने चली गई। मैं नानी का संदूक जीत गई। आप सुन रहे हो या नहीं? साचो? हाँ, मुझे मालूम ही था ऐसा ही होगा। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन याद रहे, एक बात मत भूलना, उसमें से जो माल मिलेगा उसमें हम दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है। हाँ मम्मी, बेशक बेशक। अच्छा ये बता, उसमें से मिला क्या? मम्मी, वो तो अभी तक मुझे भी नहीं पता चला। हाँ, जैसे ही मुझे संदूक मिला मुझे फौरन ही आपका ध्यान आया, इसीलिए मैं ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने के बहाने यहाँ चली आई और आपसे फोन पे बात कर रही हूँ। अरे डफोर छोकरी, जाके देख क्या मिला है। अने हाँ, डोशी के पाव पकड़ के अच्छे से शुक्रिया कहना। हाँ मम्मी, लेकिन सिर्फ डोशी को ही नहीं, मैंने तो कल रात को सपने में ही देख लिया था कि संदूक में क्या क्या है, और इसीलिए मैंने सबको थैंक्स भी कह दिया, वो सबका नाम ले लेके। वो ठीक उसी तरह जैसे स्टार परिवार अवार्ड में कहते हैं ना, ठीक वैसे आपने तो देखा ही होगा। चल सारू। जय श्री कृष्णा। अरे ठाकुर जी, आपका लाख लाख धन्यवाद हो, आपने हमारी विनती सुन ली। आखिर ये चक्कर क्या है? उर्मी फहीद नहीं एक्साइटेड क्यों है?